इंदौर के सदर बाजार इलाके से 8 नवंबर को लापता हुई एक नाबालिग बच्ची को इंदौर पुलिस ने सागर पुलिस के सहयोग से बरामद कर लिया। घटनाक्रम में एक आरोपी युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। बरामद की गई बच्ची के बारे में मिली जानकारी के अनुसार एक परिचित पड़ोसी युवक ने बाला फुसलाकर ले गया था। इंदौर में घटना की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। बच्ची का प्रारंभिक सुराग पाते ही इंदौर पुलिस सागर आई और सागर के गोपालगंज पुलिस के सहयोग से आरोपी सहित बच्ची को बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किया गया युवक अपने बारे में लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। और से एक बालिका गायब हुई थी, गुम हुई थी, जिसकी वहाँ पे FIR है और वो उसके यहाँ सागर में होने के उस पर उसके कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे और बाद में बस स्टैंड की CCTV फुटेज में वो बरामद हो गई है। और इसमें बस स्टैंड में जो हमारा आरक्षक एक लगा रहता है उसने काफ़ी सराहनीय काम किया है और इंदौर से सब इंस्पेक्टर आए हुए हैं और बच्ची के रिश्तेदार आ रहे हैं तो इनको बच्ची सुपुर्द कर दी जाएगी।